सभी को पता चल चुका है कि ईशान और ईशा के बीच में क्या हुआ था। भले ही ईशान इस बात को जाहिर करे कि वो ईशा को प्यार नहीं करता, ईशा से नफरत करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब लगातार जो है सभी ईशा और ईशान को मिलाने की कोशिश करने वाली है। सभी कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद हो सकता है कि ईशान और ईशा करीब आ जाए। सभी कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद खुद ईशा को भी लगेगा कि ईशान के मन में उसके बारे में जहर भर गया है और उसे जो है इस जहर को निकालने की ज़रूरत है, यानी ईशान की गलतफहमियां दूर करने की ज़रूरत है। तो अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है शो में जिसके बाद अब ईशा और ईशान करीब आ सकते हैं और इसमें इसके पीछे हाथ होगा किसी और का नहीं बल्कि सवी का। सवी को अब अश्मिता ने ईशान की वो डायरी दी है जो ईशान अपनी मम्मी की याद में लिखता है। ईशान बचपन से ही डायरी लिखता था और जब उसकी माँ ईशा उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद से उसने अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को पन्नों में लिख डाला है। ये पन्ने नहीं, उसकी वो दुनिया है जो उसने बचपन में अकेले गुजारी है। बिना माँ के वो कैसा था, क्या महसूस कर रहा था और क्या वो वाकई में अपनी माँ से नफरत करता है या फिर प्यार, इन सारी चीज़ों को उसने इन पन्नों पर बयां करके रख दिया है। हम आपको बता दें कि अब यही डायरी जो अश्मिता ने सवी को दी है, सवी जाकर देने वाली है किसी और को नहीं बल्कि ईशा को। यहाँ पर वो ईशा को जब ईशान की ये डायरी देगी तो इस डायरी से कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जिसके बारे में ईशा पहले नहीं जानती थी। ईशा को पता भी नहीं था कि ईशान जो मुंह पर कहता है वो सच नहीं। वो मन ही मन आज भी ईशा को मिस करता है, उसे प्यार करता है और उसका इंतज़ार करता है। तो एक बात तो तय है कि अब सभी ने जो कदम उठाया है उसके बाद वाकई में ईशा और ईशान करीब आ जाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरियों को दूर करने के लिए सभी अब कदम बढ़ाएगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।